आकया चक्षुरिवनमिलितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री जयतन्या मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम् ददाति स्वापदान्थिकम् वन्देहम श्री गुरुं श्रीयतः पदकमलम श्री गुरुं वैष्णवाम्ष्ट श्री सहगना गना रघुनाथन्वीत तम सजीव साइतम सवदूत पिजना सहित कृष्णचैतन्यम सहगना ललिता श्री विशाखान्वत नमो ओं विष्णुपदा कृष्ण भूतले श्रीमते भक्तिवेदात स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वती इति नामिने श्रीवार्ष महानवी देवी दयिताय कृपाब्दये विज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्री रूपुक्ति श्री गौरा शक्ति विग्रहाय नमोस्तु ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्त रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत नमो गौरकिशोराय साक्षा वैराग्यमूर्त विप्रलंबार बोध पदुजा ते नम नमो भक्ति विनोदा सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भाव भूमे स्वम निर्देश सज्जन वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पंचाकल्पतरु व्यष्ट कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्ण चैतन्यनामन निघोर तुम नम पंचतत्व कृष्ण भक्तूपस्व भक्तावत भक्ताख्यम नमा भक्तशतिक हे कृष्ण कूणाधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधाकांत नमस्त जयता मंद मती मत्सदवस्व पदांबोजौ रादा मद नमोनो दिव्या दंदा वन्य कल्पद्रमदो श्रीमाद दत्ता गनासिमासनस्तो श्रीमद्राधा शिला गोविंद देवो प्रेष्टालबी सेव्य मानो स्मरामि श्रीमा रास रसारंभी वंशीवट टटस्तता कृष्ण वेनूर स्वनीर गोपिर गोपीनाताय तप्त कांजना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दृश्य देवी प्रणमा हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैत्यानंदी अद्वैत श्री श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौलीला का ये सीरीज में तो कल हम देख रहे थे कि कैसे श्री चंद्र महाप्रु कुलिया ग्राम में जिसका और एक नाम है अपराध बंजन भूमि महाप्रभु बहुत सारे लोग जो महाप्रभु के पास आते हैं माफी मांगने के लिए उनका प्रश्न लेके इत्यादि महाप्रभु हर भक्त के प्रश्न का उत्तर देते हैं बहुत सारे भक्तों को माफ करते हैं तो महाप्रभु कुलिया से अभी और एक स्थान पे आते हैं जिसका नाम है राम केली जहा पे वो रूप सनातन से मिलते हैं तो हम चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे ये चैतन्य भागवत का चौथा अध्याय है जय जय कृपा सिंधु जय गौर चंद्र जय जय सकल मंगल पद द्वंद्व तो वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु जो कृपा सिंधु हैं जिनके चरण कमल मंगल से बने हैं उनको प्रणाम करते हैं जय जय श्री कृष्ण चैतन्य न्यासी राजा जय जय चैतर भक्त समाज तो महाप्रभु जो सन्यासी से, सन्यासी से में से सबसे बेस्ट है, उत्तम है, है उनको प्रणाम करते हैं और जितने भी महाप्रभु के भक्त समाज है उनको प्रणाम करते हैं हे न मते प्रभु सर्वजीव उधारिया मथुराय चलिले भक्ति गोष्ठी लाइय तो महाप्रभु इस प्रकार कुलिया ग्राम से जहाँ पे महाप्रभु बहुत सारे जीवों का उद्धार करते हैं बहुत सारे लोगों को कृपा दिखाते हैं वहां से महाप्रभु एक्चुअली अभी वृंदावन की ओर जा रहे हैं तो महाप्रभु बंगाल क्यों आते हैं वृंदावन की ओर जाने के लिए महाप्रभु का इच्छा था थोड़ा गंगा का दर्शन करके वो वृंदावन की ओर जाएंगे तो महाप्रभु कुलिया से भी मथुरा की ओर जा रहे हैं और अभी गंगा के तट में गुजरते हुए जाते हैं गंगा तीरे तीरे प्रभु लईने पथ स्नान पाने पुराण गंगार मनोरथ अगर आपको याद है जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकलते हैं महाप्रु दो चीज बताते हैं को, मैं अपने दोनों माताओं का दर्शन करना चाहता हूँ एक है सची माता जो जननी है और दूसरा है जानवी गंगा माता तो महाप्रभु को गंगा के प्रति इतना प्रेम है महाप्रु कौन सा मार्ग लेते हैं गंगा के तट से चलते हुए जाते हैं अगर आप लोगों को याद है जब महाप्रु बंगाल से पूरी भी आ रहे थे महाप्रु गंगा के तट पे होते हुए आते हैं और महाप्रु की अनुसार गंगा में स्नान करते हैं गंगा का पानी का आस्वादन करते हैं गौडेर निकटे गंगा तीरे एक ग्राम ब्राह्मण समाज तारा राम केली नाम तो ऐसे चलते चलते गौड़ जगह वहां पे एक गांव था जिसका नाम था राम केली और ये राम के लिए ब्राह्मणों का जगह था ब्राह्मणों का समाज यहाँ पे रहता था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये श्लोक के तात्पर्य में वर्णन करते हैं ये जो राम के लिए है या श्री राम के लिए है अभी के मालदा नगर के करीब साढ़े आठ मील दूर है तो राम के लिए वो स्थान है जहां पे श्री चैतन्य महाप्रु रूप सनातन से मिलते हैं एक्चुअली महाप्रभु को राम के लिए जाने की जरूरत नहीं था महाप्रु जाते हैं राम के लिए रूप सनातन का उद्धार करने के लिए तो ये वर्णन आता है रूप सनातन हालांकि बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे रूप सनातन नवाब हुसैन शाह के लिए कार्य कर रहे थे पर उनका इच्छा नहीं था पर नवाब हुसैन शाह ने उनको धमकी दिया आप मेरे लिए काम नहीं करोगे मैं पूरे हिंदू समाज को मार दूंगा तो लोगों के प्रति करुणावश रूप सनातन नवाब हुसैन शाह के लिए कार्य करते हैं तो बहुत समय तक कार्य करते हैं और वो भी इतना रिस्पॉन्सिबल पोजिशन एक सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे पूरे बंगाल के और रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर तो रूप सनातन बहुत सारा पत्र लिखते है। जब हैं जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में महाप्रभु हम ये सब छोड़ के आपका चरण कमल का आश्रय लेना चाहते हैं हम क्या करें बहुत सारा पत्र लिखने के बाद भी उत्तर नहीं आता फाइनली महाप्रभु एक गुह्य श्लोक में बताते हैं घाई मत करो उचित समय पे आपका उद्धार होगा तो फाइनली महाप्रभु यहाँ पे वृंदावन जाते हुए राम केली पहुंचते हैं अभी भी राम केली में वो स्थान है वो तमल वृक्ष है जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभ रूप सनातन से मिलते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं अभी भी एक कॉन्क्रीट पेव्ड एरिया है जहाँ पे एक तमल वृक्ष है वो तमल वृक्ष के नीचे रूप सनातन से महाप्रभु मिलते हैं और ये तमल वृक्ष के दोनों साइड पे कदम्ब वृक्ष है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन कर रहे हैं ये तमल वृक्ष के राइट साइड में जो कदम्ब वृक्ष है वो अद्वैत आचार्य को संबोधित करता है जो लेफ्ट साइड में कदम्ब वृक्ष है वो नित्यानंद को और जो बीच का तमल वृक्ष है वो है चैतन्य महाप्रु अर्धरात्रि के समय रूप सनातन वेश बदल के साधारण भिक्षु के वेश में आते हैं साधारण वैष्णव वेश में आते हैं अर्धरात्रि में क्यों आते हैं क्योंकि उनको डर था कि अगर राजा को पता चलेगा नवाब हुसैन शाह को वो चैतन्य महाप्रु को कुछ हानि पहुंचाएगा इसलिए वेश बदल के चुपचाप आते हैं और महाप्रभु से मिलते हैं और महाप्रभु यही राम के लिए में रूप सनातन को बोलते हैं आप मेरे नित्य दास हो जन्म जन्मांतर आप मेरे सेवक हो आप चिंता मत करो बहुत जल्दी भगवान कृष्णा आपकी इच्छा को पूरा करेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ताकत वर्णन करते हैं अभी भी राम गांव में एक मदन मोहन मंदिर है ये मदन मोहन विग्रह रूप सनातन ने स्थापित किया था उस समय जब वो राम किली में थे वो इन विग्रहों की सेवा करते थे तो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं ये मदन मोहन के साथ बलदेव रेवती का भी एक विग्रह है व्रजमोहन राधा व्रजमोहन के एक विग्रह है रेवती रमन का विग्रह है और महाप्रभु अद्वैत आचार्य नित्यांत के भी विग्रह है तो ये राम के किली में आ, मदन मोहन मंदिर के पास एक सनातन कुंड है सनातन गोस्वामी को, को नहाने के लिए कुंड इमेजिन करो कितने धनी व्यक्ति थे रूप सनातन उस समय अरबपति करोड़पति नहाने का कुंड है नहीं? जितना धनी व्यक्ति है उतना बड़ा उसका बाथरूम होता है Imagine करो सनातन गोस्वामी का नहाने का कुंड है रूप गोस्वामी का नहाने का कुंड है रूप सागर घाट एक तालाब था रूप गोस्वामी के लिए कितना बड़ा साढ़े छे एकड़ सिक्स एंड हाफ एकड़ ये रूप सागर घाट यहां पे रूप गोस्वामी स्थान करते थे हिमाचल ग्रह कितने घनी व्यक्ति थे ये दोनों तो ये राम के लिए में रूप सनातन ने राधा कुंड श्याम कुंड ललिता कुंड विशाखा कुंड का भी निर्माण किया है जिसका अभी भी दर्शन होता है तो बेसिकली रूप सनातन हालांकि नवाब हुसैन शाह के लिए कार्य कर रहे थे पर उनका मन वृंदावन में ही था इसलिए वो गुप्त वृंदावन की रचना करते हैं राम केली में तो चैतन्य चैतन ये राम के लिए स्थान में पहुंचते हैं दिनचारी पंच प्रभु सही पुण्य स्थाने रहिला स्थानेही जाने तो महाप्रभु ये पुण्य स्थान या दिव्य स्थली हैं पुण्य स्थान क्यों है क्योंकि रूप सनातन यहाँ पे भक्ति करते थे रूप सनातन ने यहाँ पे वृंदावन नाम की स्थापना की सो होली प्लेस ये पुण्य स्थली है तो महाप्रभु चार पांच दिन राम के लिए में गुजारते हैं क्यों गुजारते हैं ताकि वो रूप सनातन से मिल सके सूर्यर उदय की ककन गोप्य हर्वलोक सुनी सुनीले न चैतन्य विजय तो महाप्रु का इच्छा ना एकांत में रहना वो किसी को बोलना नहीं चाहते वो आए हैं फिर भी सब लोगों को पता चल जाता है कि चैतन्य महाप्रु राम के लिए आए हैं तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं सूरज को कोई ढक सकता है क्या अगर सूरज प्रयास करेगा अपने आप को ढकने के लिए कितना ढकेगा अपने आप को बादल कितना ढक पाएगा सूरज को तो वैसे महापुरुष प्रयास कर रहे थे चुपचाप रहने के लिए किसी को अपना दर्शन नहीं देने के लिए फिर भी महाप्रु का आगमन सबको पता चल गया सर्वलोक लोक थे ऐसे हर्ष मने स्त्री बालक वृद्ध आदि सज्जन दुर्जने तो सब लोग आते हैं महाप्रु से मिलने के लिए हम ये तीसरा गांव देख रहे हैं पहला महाप्रु विद्यानगर पहुंचते हैं दूसरा कुलिया पहुंचते हैं तीसरा राम के लिए तीनों जगह पे हम देखते हैं जब महाप्रभ वहां पे पहुंचता है लाखों लोग पहुंचते हैं अरबों करोड़ों लोग पहुंचते हैं तो यहाँ पे वर्णन है सब लोग बच्चे स्त्रियां बूढ़े जो जिन्होंने जिन्होंने पुण्य किया है जिन्होंने पाप किया है हर व्यक्ति पहुंचता है महाप्रभु का दर्शन करने के लिए निरवधि प्रभुर आवेशमय अंग प्रेम भक्ति बिना हार ना ही कोणर अंग तो महाप्रभु पूर्ण तरीके से कृष्ण प्रेम में आवेश थे और महाप्रभु कृष्ण भक्ति के अलावा किसी चीज का स्वादन नहीं कर रहे थे हमने कल देखा था जब महाप्रभु कुलिया में भागवतम का वर्णन करते हैं तो महाप्रभु बता रहे हैं देवानंद पंडित को कंटिन्यूअसली भागवतम का वर्णन कैसे करना कृष्ण भक्ति को स्मरण रखते हुए भागवतम का वर्णन करना तो ऐसे ही महाप्रभु कृष्ण भक्ति के अलावा प्रेम भक्ति के अलावा किसी और चीज का स्वादन नहीं कर रहे थे कुंकार गर्जन कंप पुलक क्रंदन निरंतर आचाद पदये घने घन गन। तो महाप्रु जोर जोर से दहाड़ रहे हैं शेर की तरह सिंह की तरह महाप्रभु रो रहे हैं कांप रहे हैं रहा बहरा है, उनके बाल खड़े हो रहे हैं और बार बार उठ रहे हैं गिर रहे हैं उठ रहे हैं गिर रहे हैं ये सब महाप्रभु का भाव था वहां पे निरवधि भक्तगण करे न कीर्तन तिलार देखो अन्य कर्म नहीं को तो महाप्रभु तो कंटिन्यूअस्ली कीर्तन कर रहे थे पर महाप्रभु के साथ जितने भी पार्षद थे वो भी कंटिन्यूसली कीर्तन कर रहे निरवधि कृष्ण कीर्तन के अलावा वो और कुछ भी कार्य नहीं कर रहे थे एक क्षण भी एक अर्ध करते है छोटा सा क्षण भी वेस्ट नहीं कर रहे थे तो महाप्रभु और उनके पार्षद यहाँ पे बता रहे हैं कि जिंदगी का समय वेस्ट नहीं करना है हर क्षण जितना हो सके भगवान की भक्ति में भगवान की सेवा में लगाना है हे से क्रंदन प्रभु करेन धाकिया लोक सुने क्रोशेर पति धाकिया तो महाप्रभु जब रो रहे थे कृष्ण के लिए इतना जोर जोर से रो रहे थे दो मील तक सुनाई दे रहा था महाप्रभु के रोने का आवाज मतलब इतना भाव था महाप्रभु का यद्यपि यह भक्ति रसे अज्ञ सर्वलोक तथापि यह प्रभु देखी सबार संतोष तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं राम के लिए मैं महाप्रभु पहले बार आए हैं बहुत सारे लोग महाप्रभु को पहले बार देख रहे हैं। बहुत सारे लोग भक्ति का अनुभव संकीर्तन का अनुभव पहले बार कर रहे हैं। फिर भी ये जो जो लोग थे, एक्चुअली uh, मूर्ख थे इत्यादि वो सब लोग भी प्रसन्न होते हैं महाप्रु को देख के उनके अंदर भी ये भक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो ये महाप्रभु का प्रभाव है दूरे ताकी सर्व दंडवत करी सबे मेली उच्च करी भले हरी हरी तो ये सब लोग दूर से महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और सब लोग जोर जोर से हरी हरी कृष्ण कृष्ण भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं सुनी मात्र प्रभु हरि नाम लोक मुके विशेष उल्लास बाड़े प्रेमानंद सुखे तो महाप्रभु ऑलरेडी आनंद में थे संकीर्तन कर रहे थे जब महाप्रभु देखते हैं लाखों लोग जम गए हैं और सब कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं महाप्रु को तो आनंद करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ गया महाप्रु बहुत एंथुजियास्टिक बहुत एक्साइटेड हो गए बोलो 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 प्रभु बले बाहु तुली विशेष बोले ने सबे हय कुतु तो महाप्रभु हाथ ऊपर करते हैं और महाप्रु चिल्लाते हैं बोलो और बोलते रहो और बोलते रहो और महाप्रु का ये उत्साह देख के बाकी सब लोग और उत्साहित होते हैं तो इस तरह से भगवान और भक्तों के बीच में इतना सुंदर आदान प्रदान हो रहा है वो एक रथ यात्रा का वीडियो है जहां पे रथ में सवार हैं और सब भक्त नीचे कीर्तन कर रहे हैं और सड़नली उठ के दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य करते हैं और भक्तों प्रोपातर तो वैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पे अनुभव हो रहा है महाप्रभु जब हाथ ऊपर करके कीर्तन कर रहे हैं एंथुजम इंक्रीजेस हेन से आनंद प्रकाश हेन गौर दाए यवने बले हरी अन्य दाए तो महाप्रभु इतना अपना यू नो आनंद का प्रकाशन कर रहे थे अपना जो प्रेम का प्रकाशन कर रहे थे मुस्लिम लोग क्योंकि राम के लिए नवाब हुसैन शाह का कैपिटल था ऑलमोस्ट बंगाल का जो मुस्लिम राजा था बहुत क्रूर व्यक्ति उसका कैपिटल था बहुत सारे मुस्लिम लोग थे वो लोग भी कीर्तन करने लगे थे का ये प्रभाव देखो बाकी लोगों के बारे में क्या बोलना यवन लोग भी कीर्तन कर रहे यमे वो दूरे ताकी करे नमस्कार हेन गौर चंद्रेर करुणा अवतार वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे कीर्तन छोड़ो ये यवन लोग दंडवत कर रहे हैं जिन्होंने कभी दंडवत नहीं किया पता नहीं भगवान उनके हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं ये लोग दंडवत करते हैं महाप्रभु तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं हेन गौर चंद्र करुणा अवतार ये महाप्रभु का करुणा करुणा का अवतार है करुणाशील अवतार है जो पतित लोगों को भी महाप्रभु उनके हृदय में भक्ति का अनुभव करा रहे हैं पिलार देख प्रभुर नाही का अन्य कर्म निरंतर लाऊ येन संकीर्तन धर्म तो महाप्रभु का एक ही एंगेजमेंट था और कुछ नहीं महाप्रभु एक ही चीज कर रहे थे हर व्यक्ति को संकीर्तन में प्रेरणा दे रहे थे महाप्रभु सबको प्रेरणा दे रहे थे समय व्यर्थ मत करो कंटिन्यूसली कीर्तन करते रहो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं हम सबको कि ये संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना बहुत उत्साह के साथ बिना समय व्यर्थ किए बहुत महत्वपूर्ण है हमने देखा जब गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं हरिनाम का उच्चारण करें तो कुछ भी कर रहे हैं फोकस चतुर्दी हिते लोक ऐसे आई दिकाय कहार चित्त कहार चित चारों दिशाओं से लोग आते हैं स्वर्ग से आते हैं अलग अलग जगह से आते हैं लोग महाप्रभु को देखने के लिए महाप्रु के की कीर्तन को देखने के लिए और एक बार महाप्रु को देख लिया किसी ने वापस उनको घर जाने का इच्छा नहीं होता जैसे रूप गोस्वामी उनके प्रार्थना में लिखते हैं अगर किसी को अभी भी आसक्ति है भौतिक दुनिया के प्रति तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कृष्ण को देखने के लिए केसी घाट वृंदावन में मत जाना क्योंकि एक बार कृष्ण को देख लिया वापस घर जाने का इच्छा नहीं होता वैसे ही महाप्रभु को देखने के लिए आते हैं सब लोग उनको वापस घर जाने का इच्छा नहीं सबे मेली आनंद करे ध्वनि निरंतर चतुर्दी के आर ना ही सुनी सब लोग आनंद से हरिनाम संकीर्तन करते हैं चारों दिशाओं में हरिनाम के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दिया निकट यवन राजा परम दुर्भार तथा चित्ते ना में कहा तो ये जैसा बता रहा था ये यवन राजा नवाब हुसैन शाह का कैपिटल था आ, 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 भारत सो बेसिकली जो महल था ये रामकली के, के पास ही था फिर भी जनरली ये सब लोगों को बहुत डर लग रहा था यमन राजा से क्यों क्योंकि ये नवाब हुसैन शाह ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था हिंदू लोग संकीर्तन करते उनको जाके मारता था तो ये हिंदू लोग सब डरे हुए थे नवाब हुसैन शाह से पर महाप्रभु के प्रभाव से ये सब लोग भूल गए अपने डर को निडर होके कीर्तन कर रहे बिल्कुल उसके कैपिटल में कीर्तन कर रहे निर्भय हैया सर्वलो के बलि हरि दुख शोक गृह कर्म सकली पासरी तो ये सब लोग निर्भित होते हैं कंप्लीटली फियरलेस भजोहुर मन श्री नंद नंदन अभय चरणार गोविंद दास कविराज वर्णन करते हैं जब हम भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेते हैं हम भय को भूल जाते हैं कल हमने जब महाप्रभु भागवतम का गुणगान कर रहे हैं हमने ये श्लोकों का श्रृंखला सुना था कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ते पुंस शोक मोह बयापह भागवत में वर्णन कर आता है यस्याम वही सुनुमायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ते पुंस शोक मोह बयाप जो भगवान की कथा को सुनता है भगवान के की कीर्तन को सुनता है भगवान के रूप का दर्शन करता है ऐसा व्यक्ति भय को भूल जाता है शोक भूल जाता है मोह भूल जाता है ऐसे ही यहाँ पे वर्णन है निर्भय हया सर्वलोक बले हरि दुख शोक गृह कर्म सकली पासरी। जो लोग आते हैं महाप्रभु के कीर्तन को देखने के लिए दुख भूल गए शोक भूल गए भय भूल गए अपना घर का कार्य भी भूल गए सब लोग पागल हो गए महाप्रु के लिए तो इस समय एक पोलिस मतलब नवाब हुसैन शाह का एक सोल्जर एक सैनिक जाके नवाब हुसैन शाह को बताता है कि महाप्रभु आए हैं तो ये प्रसंग बहुत सुंदर है ये पोलिस कांस्टेबल ये जो सैनिक है और नवाब शाह के बीच में वार्तालाप कोतायासी ग्राम है तो एक पोलिस कांस्टेबल या एक सैनिक राजा के पास जाते हैं नवाब हुसैन शाह और बोलते हैं एक सन्यासी आए राम गांव में निरवधि करे भूतेर संकीर्तन स्थाने मिले कट जन तो ये ये भी व्यक्ति मुस्लिम ही था ये जो सैनिक था वो राजा का बोलता है ये सन्यासी पता नहीं भूतों का संकीर्तन कर रहा है है तो मतलब इतना प्रभाव है, जैसे भूत का अगर किसी के ऊपर प्रभाव होता है व्यक्ति पागल होता है तो वैसे ये बोलता है महाप्रभु ने लोगों को पागल कर दिया है पता नहीं इसके पास क्या जादू तोना है इतने सारे लोग इसके पीछे आए हैं सैकड़ों लोग राजा बले कह कह सन्यासी की मनी की काय की नाम कैचे देहेर घटन है तो नवाब हुसैन शाह पूछते हैं ये सन्यासी कौन है मुझे उसके बारे में बताओ क्या कहता है ये उसका नाम क्या है कैसे दिखता है तो अभी ये पुलिस कांस्टेबल ये जो मुस्लिम सैनिक है महाप्रु का वर्णन कर रहे हैं महाप्रु के रूप का वर्णन कर रहे हैं ये जो वर्णन है ना इतना सुंदर वर्णन है कोतायाल बले सुन सुन गोसाई ए मत अद्भुत कबू देखी सुनी नाई तो ये पुलिस जो है सैनिक बोलता है हे राजा ध्यान से सुनना ऐसे अद्भुत व्यक्ति को मैंने कभी देखा ही नहीं उसके बारे में ऐसे व्यक्ति को कभी मैंने सुना नहीं सन्यासी शरीर थे कामदेव समी बली थे ये सन्यासी इतना सुंदर है कामदेव भी इसके सामने कुछ भी नहीं कामदेव से कहीं ज्यादा ये सन्यासी सुंदर है जिनिया कनक कांति प्रकांड शरीर अजान लंबित बुजर नाभि सुगभीर इनका जो कांति है एफल्जेंस है सोने को भी डिफीट करता है सोने से भी ज्यादा चमक रहे हैं वहां और उनका प्रकांड विशाल शरीर है और उनके हाथ उनके घुटनों तक पहुंचते हैं उनका नाभि गंभीर है सिम्म ग्रीव गजस्कंद कमल नयन कोटि चंद्र से मुकेरे नाकरी समान उनका जो गला है एक सिम्म की तरह है उनका शोल्डर्स एक हाथी की तरह है कंधे उनके आंखें एक कमल के पंखुड़ियों के तरह है और उनका चेहरा करोड़ों चंद्र की तरह है मिलियंस ऑफ मून सुरंग अदर मुक्ता जिनिया दशन काम शरसान येन, ब्रु, ब्रुगुपंगी पतन उनके होंट लाल हैं और उनके दांत दांत जो है मनी के हार की तरह है ब्यूटी ऑफ पर्ल्स और उनके जो आईब्रोज हैं कामदेव के धनुष की तरह है सुंदर सुपीन वक्षे लेपित चंदन महाकटी तटे अरुण वसन तो महाप्रु के जो छाती है विशाल है, और उसमें चंदन का लेप है और महाप्रु ने उनके कमर में सैफरेन अरुण वसन सैफरन वस्त्र पहना है सन्यासी का वस्त्र अरुण कमल ये नरण युगल दशनक दशन कैन दश तर्पण निर्मल उनके दो जो कमल है पैर है एक दो फूल कमल के फूल की तरह है और पैर में जो नाकून है दस नाखून आईने की तरह है चमकता हुआ आईना कोनो न राजेर कोनो राजार नंदन ज्ञान पाए नासी करे ये ब्राह्मण दिखता है राजा के पुत्र की तरह इतना तेजस्वी इतना शक्तिशाली पर सन्यासी के वेश में भ्रमण कर रहा है नवनीत हितें ओ कमल सर्व अंग तहाते अद्भुत शुन आचादेर रंग महाप्रु का जो अंग है नवनीत बटर की तरह कोमल है फिर भी ये सैनिक बोलता है जब महाप्रु जमीन पे गिरते हैं नाचते हुए इतने जोर से गिरते हैं पत्थर टूट जाते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं होता एक दंडे पड़े न आचाद शत शट फाशा तबु अंगे नए शट आधे घंटे में महाप्रु सौ बार गिरते हैं उठते हैं इतने जोरों से गिरते हैं पत्थर टूट जाता है पर महाप्रु को कुछ नहीं होता तो एक तरह बोल रहे हैं महाप्रु का अंग जो है बहुत कोमल है बटर की तरह, मक्कन की तरह। फिर भी जब महाप्रु गिरते हैं पत्थर में पत्थर भी टूट जाता है तो भगवान के अंदर दोनों ऑपोजिट्स हैं भगवान का शरीर कोमल भी है यू नो की तरह और कठोर भी है वज्र की तरह निरंतर सन्यासीर ऊर्ध रोमावली फनसेर प्राय अंगी मंडली महाप्रु के जो बाल हैं हमेशा कड़े हैं कृष्ण प्रेम में अष्ट का भाव में जैसे फनस है जैकफ्रूट है जैकफ्रूट में जैसे कांटे होते हैं ना स्किन में तो वैसे ही महाप्रु का शरीर हो रहा है शने शने संयासी हेन कंप हय सहस्र जने ओ धरी पारे शक्ति नय तो महाप्रु जब कृष्ण प्रेम में उनके शरीर का कंपन होता है इतना जोर से कंपन होता है हजार लोग महाप्रु को पकड़ते हैं पकड़ नहीं पाते संभाल नहीं पाते महाप्रु को इतना प्रेम का लक्षण है दुई लोचनेर जल अद्भुत देखी थे कट नदी वही हेन ना पारी कही थे तो ये सैनिक बोलता है महाप्रु जब रोते हैं कृष्ण कृष्ण के विरह में इतना अश्रु निकलता है इतना अश्रु मानो हजारों नदी निकल रहे हैं गिनती भी नहीं कर सकते कि कितना अश्रु निकल रहे हैं ककन व संयासी हेन हास्य हय अट अट दुई प्रहारे वो शना न तो ये सैनिक बोल रहा है जब महापुरुष हसते हैं रोते हैं तो नदी निकलता है अश्रु का जब हंसते हैं महाप्रु घंटा निरंतर हंसते हैं सिक्स कंटिन्यूसली ककन मूर्चित हय सुनिया कीर्तन सबे भय पाय किचुनाके चेतन चेतना अः कभी कीर्तन सुनते, सुनते सुनते बेहोश हो जाते हैं और महाप्रु के शरीर पे कुछ भी चेतना नहीं है प्राण के लक्षण ही नहीं है सब भक्त तो बहुत भयभीत होते हैं बाहू तुलि निरंतर बले हरि नाम भोजन शयन आर नाही किचू काम तो ये बहुत सुंदर है महाप्रुभ अपना दोनों हाथ ऊपर करके निरंतर कंटिन्यूअसली कीर्तन सदा हरी कंटिन्यूअसली भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं महाप्रु खाते नहीं सोते नहीं तो ये सैनिक बोल रहा है मैंने ये सन्यासी को खाते हुए सोते हुए देखा ही नहीं कंटिन्यूअसली हरिनाम ही कर रहे हैं चतुर्दी के ताकि लोग ऐसे देखी थे लय चित्त याई थे जो लोग भी आते हैं उनको वापस घर जाने का इच्छा नहीं खट देखी न्यासी ज्ञानी अद्भुत तो कबू ना ही देखी शुरू तो ये सैनिक नवाब हुसैन शाह को बोलते हैं मैंने बहुत सारे सन्यासी योगी ज्ञानी देखे हैं पर इन जैसा जो व्यक्ति है मैंने अब तक नहीं देखा कहिलान कहिला महाराज तुम्हारा ने देश धन्य हईल ये पुरुष आगमन है तो ये सैनिक राजा को बोलते हैं हे नवाब हुसैन शाह मैं आपको बोलता हूँ ये सन्यासी के आने से आपका राज्य धन्य हो गया आपका भाग्य अभी खुल गया है महापुरुष तुम्हारे राज्य में आए न खाय न लाय करो ना करे संभास सबे निरवधि एक कीर्तन विलास तो ये सैनिक बोल रहे हैं महाप्रभु कुछ खाते नहीं है कुछ दान स्वीकार नहीं करते कुछ बोलते भी नहीं है संभाषण भी नहीं करते, दे कंटिन्यूसली सिर्फ कीर्तन में आनंद ले कंटिन्यूसली चैंडिंग हरे कृष्ण यवन राजा परम दुर्भार चित्ते बड़ा हिल चमत्कार हालांकि नवाब हुसैन शाह बहुत दुष्ट था बहुत क्रूर व्यक्ति था फिर भी यह सब सुन के और महाप्रु की उपस्थिति से उसके हृदय का परिवर्तन होता है जैसे हमने सुना था जब महाप्रु उड़ीसा बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल में आने वाले थे उस पक्ष में एक मुस्लिम गवर्नर था उसका भी हृदय का परिवर्तन होता है तो महाप्रु का ये कृपा है महाप्रु का चमत्कार है महाप्रु ऐसे दुष्ट व्यक्ति के हृदय को भी चेंज कर लेते हैं तो ये यवन राजा नवाब हुसैन शाह के हृदय में थोड़ा चेंज होता है कृष्ण के प्रति महाप्रु के प्रति थोड़ा प्रेम उत्पन्न होता है केशव खानी राजा धाकिया अनिया जिज्ञास राजा बड़ा विस्मित तो नवाब हुसैन शाह के एक मंत्री थे जिनका नाम था केशव खान तो जैसे रूप सनातन महाप्रु के पार्षद थे पर किसी कारणवश उनको नवाब हुसैन शाह के लिए काम करना पड़ता है वैसे ही केशव कान ये भी महाप्रु के एक पार्षद थे पर नवाब हुसैन शाह के लिए कार्य कर रहे थे तो नवाब हुसैन शाह केशव खान को बुलाते हैं पूछने के लिए ये कौन है चैतन्य बताओ कहत केशव कान की मत तुमार श्री कृष्ण चैतन्य बलि नाम बलयान तो नवाब हुसैन शाह केशव खान को बुलाते हैं और पूछता है अरे केशव ये श्री कृष्ण चैत यह सन्यासी आया है इसके बारे में आपका मत क्या है के 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 मत के मत मत मनुष्य, गोसाई तीनों अवश्य मुझे बताओ केशव कान वो क्या प्रचार करता है कौन कौन है ये व्यक्ति कौन कौन सा कैटेगरी है ये सन्यासी का चतुर्दी के ताकी लोग मुझे बताओ कि चारों दिशाओं से लोग पागल क्यों हो रही हैं सन्यासी के लिए देखिए केशव कान महाप्रु के बहुत महान पार्षद थे उनको पता है महाप्रु साक्षात भगवान है बोलना चाहते हैं पर उनको डर है मैं सत्य बता दूंगा ये नवाब हुसैन शाह के हृदय में गिरसा होगा वो महाप्रु को कुछ हानि पहुंचाएगा इसलिए केशव कान बोलते हैं कि पले गोसाई सुनिया केशव कान परम सज्जन भाई भय पाई लुकी आय कहे न कथन तो केशव कान सज्जन व्यक्ति है पर उनको महाप्रु के प्रति प्रेम था वो महाप्रु को प्रोटेक्ट करना चाहते थे इसलिए सत्य को ढकते हैं पूर्ण रूप से सत्य नहीं बोलते तो केशव कान बोलते हैं कि बोले गोसाई एक भिक्षुक सन्यासी देशांतरी गरीब वृक्षेर तलवासी तो ये केशव कान बोलते हैं अरे ये गोस्वामी कुछ नहीं है साधारण भिक्षुक संयासी है गरीब व्यक्ति है चैतन्य नगर नगर भ्रमण करता है गरीब है इस तरह से प्ले डाउन करते हैं मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं बोलते क्योंकि अगर बड़ा चढ़ा के बोलेंगे तो राजा ईर्षा हो जाएगा उसको और महाप्रु को हनी पहुंचाएगा। जब नवाब हुसैन शाह सुनते हैं कि केशव कान महाप्रु को गरीब बोल रहे हैं नवाब हुसैन शाह को गुस्सा आता है राजा बली गरीब ना बोले कबूताने महादोष तो शह सुनील नवाब हुसैन शाह को इतना विश्वास उत्पन्न होता है महाप्रभु के प्रति वो बोलता है बिल्कुल महाप्रभु को गरीब मत बुलाना ये बहुत बड़ा अपराध है डोंट डू दिस तो यहां पे नवाब शाह केशव कांड को प्रचार कर रहे हैं ये सुनिए ध्यान से हिंदू यानरे बले कृष्ण कोदाय यवने से ही तीनों निश्चय जानिया सर्वजनी तो नवाब हुसैन शाह केशव कान को बोल रहे हैं जो आए हैं श्री चैतन्य ये कौन है जिनको हिंदू कृष्ण बोलते हैं और जिनको मुस्लिम खुदा बोलते हैं अल्लाह बोलते हैं वही श्री कृष्ण चैतन्य आए हैं हमारे गांव में मतलब ये नवाब हुसैन शाह को तुरंत महापुरु की कृपा से पता चल जाता है सेम कृष्ण जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ यही कृष्ण है यही अल्लाह है राज्य से अमार आज्ञा रहे तहार आज्ञा शिरे करी सर्वदेश वह राजा बोलता है मेरे आज्ञा का पालन मेरे राज्य में होता है पर महाप्रु के आज्ञा का पालन पूरे ब्रह्मांड में होता है यही नीच राज्य हमारे कट जने मंद करी बारी लागी अचे मने मने राजा बोलता है नवाब हुसैन शाह ये छोड़ो मेरे राज्य में ही लोग मेरा सुनते नहीं है मेरे राज्य में ही लोग मेरे अगेंस्ट हैं सकल काया मने ईश्वर बिना अर्थ बजे केने। तो राजा केशव कांत बोलता है, इतने है राजा यहाँ पे भगवान ने बुद्धि दे दिया उसको नवाब मेरा सुनते नहीं है पर इसके पास राज्य भी नहीं है सन्यासी का वेश है पर हर जगह में लोग इसको सम्मान दे रहे हैं अगर ये भगवान नहीं है तो इसको सम्मान इतना क्यों मिल रहा है वाई सैटिंग सो मच फॉलोवर्स मास आजी जीविका न ना दिले नाना युक्ति करीबे का कर सेवक कर सकले आपनार खाई लोक तहाने चाहे नाही अपन से नवाब हुसैन बोल रहे हैं मैं अगर छह महीना अपने लोगों को सैलरी नहीं दूंगा सब लोग छोड़ देंगे मेरी नौकरी को मेरे अगेंस्ट हड़ताल निकालेंगे मोर्चा निकालेंगे पर ये सन्यासी किसी को सैलरी नहीं दे रहा है पर इतना लोग उनके सेवा करने के लिए तैयार भगवान नहीं है तो कौन है ये ही तो राजा इतने बुद्धिमान हो जाते हैं यहाँ पे नवाब हुसैन शाह इतना सुंदर चीज बता रहे हैं है, है कि नहीं हमको लगेगा कि लोग हमारा फॉलो कर रहे हैं यू नो लोग हम हमारा सुन रहे हैं क्यों सुन रहे हैं क्योंकि हम कुछ देते हैं उनको जिस दिन बंद करेंगे सब लोग छोड़ देंगे पर महाप्रु के प्रति लोगों को इतना प्रेम है महाप्रभु उनको कुछ दे भी नहीं रहे सैलरी भी नहीं दे रहे फिर भी लोग पागल हो रहे हैं महाप्रभु का सेवा प्राप्त करने के लिए ढूंढ रहे हैं भिक्षा मांग रहे हैं महाप्रभु कुछ तो सेवा देना प्लीज गिव मी सर्विस तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये तात्पर्य बताते हैं नवाब हुसैन शाह को लोग उसके राज्य में नहीं मानते महाप्रभु ओडिशा से आए हैं फिर भी राम केली के लोग चैतन्य महाप्रभु को मान रहे हैं यार, श्री चैतन्य महाप्रभु तो इस तरह से महाप्रभु नवाब हुसैन शाह के मन में ये बुद्धि देते हैं मैं कहीं पे वर्णन कर रहा था जब जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय उनके घर में महल में अभी भी अलाहाबाद में उनका घर है प्रयाग में दो तीन ब्रिटिश लोग सेवक थे टू ब्रिटिश पीपल उनका उनके सर्वेंट्स थे मतलब ये बहुत बड़ा चीज होता था जनरली उस समय भारत ब्रिटिश के अंदर था भारत लोग ब्रिटिश लोग के सर्वेंट्स थे पर जवाहरलाल नेहरू के पास दो तीन ब्रिटिश फॉरेन बॉडी सर्वेंट्स थे तो इतना बड़ा चीज था प्रोपा बोले मेरे पास इतने सारे फॉरेन डिसाइपल्स हैं मेरा सेवा करने के लिए तत्पर पर मैं उनको सैलरी भी नहीं देता जवाहरलाल नेहरू सैलरी दे रहे हैं इसलिए सेवा सेवा कर रहे हैं पर प्रभात बोले मैं सैलरी भी नहीं दे रहा हूँ फिर भी लोग मेरा सेवा करने के लिए तैयार तो एक, कहने करते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान की ऐसा शक्ति है भगवान यू you नो know, किसी के माध्यम से कुछ भी करा सकते हैं तो इस तरह से नवाब हुसैन शाह बोल रहे हैं डेफिनेटली चैतन्य महाप्रू भगवान है क्योंकि उनके पीछे इतने लोग लगे हैं हालांकि वो उनको तंका नहीं दे रहे अतएव तीनों सत्य जानिया ईश्वर गरीब कर ना बोलो उत्तर तो हुसैन शाह केशव कान को बोलते हैं देर फोर इसलिए महाप्रुष भगवान है उनको गरीब मत बोलो राजा बलि ए मुनि बलि उन सबारे के यदि उपद्रव करे है तहारे राजा बोलते हैं मैं आदेश देता हूं कोई भी व्यक्ति ये सन्यासी को तंग नहीं करना चाहिए ये कने तहान इच्छा अपान शास्त्र मट करुणा विधान उसको जहां रहना है रहने दो उसको जो प्रचार करना है करने दो जो शास्त्र से प्रचार करना है करने दो उसको कोई नहीं रोकेगा सर्वलोक लय सुखे करुणा कीर्तन विरले ताकुन न कि न लयमन उसको शांति से अपने लोगों के साथ कीर्तन करने दो उसको अकेले रहना है सबके साथ रहना है कुछ भी उसको कर ले दो कोई नहीं रोकेगा काजी वा कोताल, कि कौन जन कि तार मु जीवन नवाब बोलते हैं, काजी हो या सैनिक हो और कोटाल हो अगर वो महाप्रु के प्रति अपराध करता है मैं उसको मार दूंगा जिंदा कोई भी सन्यासी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए ये बोल के राजा अपने महल में चला जाता ये देखो मतलब महाप्रभु ने इतना दुष्ट राजा उसके हृदय में ऐसा एक विश्वास उत्पन्न कराया करी राजा गेला अभ्यंतरा करे प्रभुर श्री गौर सुंदर तो राजा ये बोल के अपने महल के अंदर चला जाता है तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं ये महाप्रभु की लीलाएं हैं ये हुसैन सह सर्व उदियार देशे देव मूर्ति भांग देउल विशेष ये जो बोल रहा है ना नवाब हुसैन शाह ये कौन है पता है नवाब हुसैन शाह ने उड़ीसा में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था महाप्रु यहाँ पे आने से पहले बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा बहुत सारे विग्रहों को तोड़ दिया नवाब हुसैन शाह ने हे यवने वो मानी लेक गौर चंद्र तथापि एबे ना माना यथ अंध तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं ऐसा यवन दुष्ट राजा महाप्रु को सम्मान करता है पर दुर्भाग्य है कि अभी भी ऐसे लोग हैं भारत भूमि में जो महाप्रभु को जानते भी नहीं है सम्मान भी नहीं करते मात मुडाय सन्यासी वेश दरे चैतन्य गुण सुनी पड़े पोड़े अंतरे तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं ऐसे बहुत सारे मायावादी सन्यासी हैं जो तो बालों का मुंडन करते हैं सन्यासी वेश पहनते हैं पर महाप्रभु का गुण सुन के उनको ईर्षा उत्पन्न होता है तो वृंदावन दास ठाकुर इंडायरेक्टली बोल रहे हैं ऐसे मायावादी सन्यासी दुष्ट है अपने आप को गुरु मानते हैं जगत गुरु मानते हैं पर उनको महाप्रु के प्रति प्रेम नहीं है यार यशे अनंत ब्रह्मांड परिपूर्ण यार अशे अविद्या समूह करे चूर्ण यार अशे शेष रमा अज्ञा अजभव मत यार यश गायचारी वेदे करी तत्व हेन श्री चैतन्य यशे यार असंतोष सर्वगुण ताकिले तार सर्वदोष तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं महाप्रभु का जो यश है पूरे ब्रह्मांड में फैला है यार यशे अनंत ब्रह्मांड परिपूर्ण पूरे ब्रह्मांड में फैला है महाप्रभु का यश सुनने से अज्ञान अविद्या मिट जाता है चूर्ण हो जाता है महाप्रु का जो यश है अनंत शेष लक्ष्मी ब्रह्मा शिव जी चारों वेद गाते हैं पर जो लोग महाप्रभु की निंदा करते हैं या महाप्रभु को नहीं मानते ऐसे लोगों के पास कितना भी अच्छा गुण हो बाहर दृष्टिकोण से सब बेकार है एवरीथिंग इज यूजलेस आगे बताते हैं सर्वगुणहीन यदि चैतन्य चरण स्मरण करी ले यहाँ वैकुंठ भवन तो एक तरह से बोल रहे हैं अगर व्यक्ति के पास बहुत अच्छा गुण है बढ़िया गुण है सब कुछ बोलने में अच्छा है सब अच्छे सदाचार है इसके पास पर महाप्रु के प्रति प्रेम नहीं है ये सब गुण बेकार है पर बोल रहे हैं अगर किसी कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी अच्छा गुण नहीं है सर्व गुण कुछ भी गुण नहीं है पर महाप्रु के चरण का स्मरण करता है ऐसा व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति करता है वैकुंठ सुन आ भाई सुन शेष कंद लीला ए रूपे के लीला कृष्ण संकीर्तन केला तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं हे भाई ध्यान से सुनना महाप्रु का ये संकीर्तन लीला सुनिया राजा र मुके सुस्त वचन तुष्ट अलेन यत सुजन गण तो जब वहाँ के जो वैष्णव होते हैं रूप सनातन इत्यादि राजा के ये वचन सुनते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं सब मेली एक युक्तिवाद वागीवाद मंत्रान करी थे। तो राजा के वचन सुन के रूप सनातन केशव इत्यादि जो वैष्णव थे एक साथ मिलते हैं और विचार करते हैं अभी क्या करना चाहिए व्हाट शुड बी डू स्वभाव राजा महाकाल यवन महात्मो महात्मो गुण वृद्धि घन घन तो सब भक्त मिलकर कंक्लूजन में आते हैं ये राजा यमन राजा है मतलब डेथ मृत्यु का मूर्तिमान स्वरूप है तमोगुण में लिप्त है ये राजा ओद्र देशे प्रतिमा प्रसाद भांगीले का कट कट करीला प्रमाण ये राजा इतना पागल है इतना क्रूर है उड़ीसा में करोड़ों विग्रहों को और मंदिर को तोड़ा है इसने दी सत्वगुण उपजिल मने तेरी बाल कही लेकर आम सब हमारा अच्छा भाग्य है कि अभी उसको थोड़ा सत्वगुण आया है हमारे लिए अच्छा बोल रहा है महाप्रु के लिए अच्छा बोल रहा है पर इस पे विश्वास नहीं कर सकते यू कैन नॉट ट्रस्ट हाँ यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वे गुणे सत्र समासते सुरा हरव भक्त कुतो महद गुणा मनोरथे धावतो बही जैसे ऐसे लोग हैं नवाब हुसैन शाह या कंस जैसे उनके अंदर अच्छे गुण होंगे पर ये थोड़े समय के लिए है तुरंत और किसी व्यक्ति का संग होगा मन बदल जाएगा जैसे कृष्ण लीला में देखते हैं जब कंस वसुदेव देवकी को मारने वाला था वसुदेव जी कंस को समझाते हैं बाबा देखो तुमको देवकी देवकी से तो भाई नहीं है देवकी के आठवें पुत्र से है मैं वचन देता हूं जब भी पुत्र होगा मैं आके आपको दे दूंगा पहला पुत्र होता है वसुदेव जाके कंस को देते हैं कंस के हृदय में परिवर्तन होता है कंस वसुदेव को बोलते हैं देखो मुझे प्रॉब्लम आठवें पुत्र से है पहले पुत्र से नहीं आप लेके जाओ मेरे भतीजे को तो वसुदेव जी लेके जा रहे हैं पर मनीम मन सोच रहे हैं इस पर विश्वास नहीं कर सकते इसका मन कभी भी फिरेगा तो वैसे ही यहाँ पे है भक्त सोच रहे हैं अभी राजा अच्छा बोल रहा है पर क्या होगा आर कुमंत्राण दिले आर ले अगर राजा एक क्रूर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो उसके मंत्री है उसको बुरा एडवाइस देंगे इसका मन बदल जाएगा वापस ये क्रूर बिहेवियर पे आ जाएगा तो इसलिए महाप्रु को यहां से जाना ही उचित है जानी कदाचित बले केमन गोसाई किया देखी बारे चाहिए था तो सब वक्त सोच रहे थे अगर राजा बोलेगा वो सन्यासी को लेके आओ मैं मिलना चाहता हूं तो हम क्या करें महाप्रु एकांत में मिलेंगे राजा से ये राजा कुछ हानि पहुंचाएगा महाप्रु तो क्या करेंगे हम इसीलिए बेस्ट क्या है हम महाप्रु को एक मैसेज भेजेंगे कि आप प्लीज राम के लिए छोड़ के चले जाइए ज्यादा समय राम के लिए मत रुके तो ये भक्तों का प्रेम है ममता है भगवान के प्रति जैसे भगवान कृष्ण का जन्म होता है आ, कंस के कारागृह में वसुदेव और देव की भगवान को बोलते हैं भगवान आप यहां से चले जाओ प्लीज लीव दिस प्लेस कहिया राजार निकट ग्रामे की कराए रही है। तो इसलिए सब डिवोटी स्वरूप सनातन केशव कान ये सब भक्त मिलकर डिसाइड करता है हम एक मैसेंजर को भेजेंगे एक दूत को भेजेंगे मैसेज देने के लिए चैतन महाप्रु आप राजा के निकट राम के लिए में क्यों रुक रहे हो आप यहां से प्लीज चले जाइए ए युक्ति करे सबे एक पताया संगो पे दीलेन तो ये विचार करते हुए ब्राह्मण जो बहुत अच्छा गुणवान ब्राह्मण है उसको बुलाते हैं मैसेज देते हैं और बोलते हैं तुम जाओ और को ये महाप्रभु को यह संदेश देना निजानंदे महाप्रभु मट्ट सर्वशन प्रेम रसी निरवधि हूंकार गर्जन तो ये ब्राह्मण आता है महाप्रु को संदेश देने के लिए पर महाप्रु इतने मग्न है कीर्तन में इतने मग्न है उनको पता भी नहीं कि कोई कड़ा है वहां पे महाप्रु घंटों घंटो दिन दो तीन दिन कंटिन्यूअसली कीर्तन कर रहे महाप्रु इतने प्रेम से चिल्ला रहे चीख रहे हरिनाम लक्ष्य कोटि लोक मिली करे हरि ध्वनि अनंत नाचा माजे प्रभु न्यासी मनी करोड़ों अरबों लोग आते हैं कीर्तन करते हैं और महाप्रभु सबके बीच में कीर्तन कर रहे हैं अन्य कथा अन्य कार्य नाही को न संकीर्तन महाप्रभु और कुछ भी नहीं बोलते हैं और कुछ भी करते नहीं है एक क्षण भी बिना वेस्ट के कंटिन्यूअस्ल दिन रात संकीर्तन कर रहे हैं राम के लिए देखिया विस्मित बड़ा ब्राह्मण कथा कही बारे अवसर नही क्षण तो ये ब्राह्मण रुका है हाथ जोड़ के अवसर मिलेगा महाप्रभु कीर्तन रोकेंगे तो जाके मैसेज देगा पर कीर्तन ही नहीं रोक रहे, तो ये ब्राह्मण रुका है रुका है, समय ही नहीं मिलता अवसर ही नहीं मिलता के खतार कोन दया, संभास नहीं पाया। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे महाप्रु ये ब्राह्मण से क्या बात करेंगे अपने पार्षदों से नित्यानंद प्रभु थे हरिदास ठाकुर थे महाप्रभु इनसे भी बात नहीं करते महाप्रभु कर हैं कि ब्राह्मण से क्या बात करेंगे महाप्रभु कि दिबा किबा रात्रे किबा पर, पर किबा जल किब स्थल की कि ग्राम परांत कि, कि ना ही जाने प्रभु निज भक्ति रसे अहरिश निज प्रेम सिंधु माजे बासे तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं महाप्रभु इतने भाव में थे दिन क्या था रात क्या था आ, कौन बाहर का व्यक्ति है कौन अंदर का व्यक्ति है जमीन क्या है पानी क्या है गांव के अंदर है गांव के बाहर है महाप्रभु को कुछ पता ही नहीं

महापुरु के पास जितने पार्षद थे नित्यानंद प्रु हरिदास ठाकुर उनको यह मैसेज दे देते थे हैं तो ब्राह्मण निकल जाता है बले, सब गोसाई समये पाएले की कथन तो ब्राह्मण बोलता है आप सब महाप्रु के पार्षद हो जब आपको उचित समय मिले आप ये मैसेज दे देना महाप्रु मैसेज क्या था राजा रे निकट ग्रामे की करा रही राजा के निकट रा, राम के लिए गांव में आप क्यों रुक रहे हो वाई आर यू वेटिंग हियर ये मैसेज देते हैं आ, कही ये कथा द्विज गेला करिया कोटि दंड प्रणाम तो ये मैसेज देके ब्राह्मण भगवान को दंडवत अर्पण करते हुए अपना घर चला जाता कथा सुनी सभी चिंता युक्त ईश्वर मने मने तो महाप्रु के जो पार्षद है बहुत चिंतित होते हैं अरे अब क्या करें अभी महाप्रु का मैसेज कैसे दें ये राजा अच्छा व्यक्ति नहीं है क्रूर व्यक्ति है उसका मन कभी भी बदलेगा तो रुके हैं महाप्रु को बताने के लिए पर महाप्रभु इनको अवसर ही नहीं देते अपने पार्षदों को नित्यानंद हरिदास को भी अवसर नहीं देते ईश्वरे से कहे ना ही क्षण ना ही श्री तो महाप्रभु बा अवस्था में आते ही नहीं है अंदरूनी अवस्था में ही कोई है इनको अवसर मिलता ही नहीं बोलो बोलो हरि बोल हरि बोल बली ए मात्र बले प्रभु दुई भाव तुली तो महाप्रभु सिर्फ एक ही कार्य कर रहे हैं अपना दोनों हाथ ऊपर करके कीर्तन कर रहे हैं और महाप्रभु सबको बता रहे हैं हरि बोल बोलते रहो हरे कृष्णा कीप चैंटिंग हरे कृष्णा चतुर्दी के महानंदे कोटि कोटि लोक ताली दिया हरि भले परम कौतुक करोड़ों लोग आते हैं ताली बजा के कीर्तन कर रहे हैं। यार सेव केर नाम करीले स्मरण सर्व विघ्न दूर है खंडये खंड ये बंधन तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं सिर्फ महाप्रभु के सेवकों का स्मरण करने से सब विघ्न दूर होता है सब बाधाएं टूट जाते हैं यहाँ शक्ति ते जीव बलि करी चले परम ब्रह्म नित्य शुद्ध यार वेद बले ये दो चैतन महाप्रु हैं उनके शक्तियों से ये संसार चलता है जीव अपना कार्य करते हैं और वेद इनका गुणगान करता है परम ब्रह्म के रूप में यहा माया जीव पासारी अपान बद पैयाच संसार वासन तो भगवान के शक्ति से भगवान के माया शक्ति से जीव अपने आप को भूल जाते हैं और माया के अंदर फंसते हैं और कष्ट भुगतते हैं ये सब भगवान की शक्ति के अनुसार होता है प्रकृति स मैयाध्यक्ष भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ये जो प्रकृति है माया है उनके अध्यक्षता में चलता है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती यहाँ पे लिखते हैं कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देसार दुख क्योंकि जीव हम सब कृष्ण को भूल जाते हैं कृष्ण से बहिर्मुख होते हैं इसलिए माया हमको पकड़ती है और हमको कष्ट देती है से प्रभु रापने सर्वजीव उद्धारित अवतारियाजे भक्त रस पृथ्वी थे तो वही साक्षात भगवान जिनको वेद परम ब्रह्म के रूप में गुणगान करते हैं जिनका जिनकी दासी है माया देवी ये परम ब्रह्म जो भगवान है चैतन्य महाप्रू के रूप में आए हैं और माप्रू क्या कर रहे हैं भक्ति का प्रचार कर रहे हैं सबका उद्धार कर रहे हैं कौन वा ताहानी राजा कारितार तार भय यम काल आदि यार वृत्ति वेद कया तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं ये यमन राजा क्या करेगा महाप्रभु से यमराज और समय काल भी डरता है यमराज और काल महाप्रभु के सेवक हैं तो ये यमन राजा से महाप्रभु को क्या डर तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये श्रुति मंत्र कोट करते हैं जो शिला प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते हैं यद भयाद वाति वातो यम सूर्यास्तपति यदया दति अग्नि वर मृत्यु चरति पंचम भगवान के भय से हवा चलता है भगवान के भय से सूरज चमकता है भगवान के भय से अग्नि जलता है भगवान के भय से इंद्र बारिश देते हैं और भगवान के भय से मृत्यु कार्य करता है सर्वे वयम यह नियम प्रपन्ना हर देवता हर व्यक्ति अल्टीमेटली भगवान का आश्रय ही लेते हैं ब्रह्मादयो येन वसम परिणीत ब्रह्मा जी से लेके हर व्यक्ति भगवान के शक्ति के अनुसार ही चलते हैं स्वचंदे करेन सब लाय सर्वलोक श्री सचिनंदन वही जो परम सत्य है अभी साथ कीर्तन करें आचूक तहान भय तहाने देखी थे यथक ऐसी लोक चतुर्दी कही थे तो यहाँ पे वृंदावन ठाकुर बता रहे हैं महापुरु तो नहीं थे महापुरु का छोड़ो जो लोग आए थे वहां पे राम के लिए के जो सिटीजन्स थे निवासी थे वो भी फियरलेस हो गए उनको भी राजा से भय नहीं था तहा के हो भय ना करे राजा रे हेन से आनंद दिया चे सबक तो महाप्रभु का ये शक्ति था महाप्रु ने सबको ये अभय दान दे दिया किसी को राजा से डर नहीं था यद्यपि यह सर्वलोक परम अज्ञान तथापि दे किया चैतन्य भगवान हेन से आनंद जन्मे लोकेर शरीरें यम करी बाही की रे तो महाप्रभु के प्रभाव से ये अज्ञानी व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति ये ये सब मूर्ख लोगों को भी महाप्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा जब ये लोग संकीर्तन कर रहे थे उनको यमराज से भी डर नहीं था राजा के बारे में क्या बोल तो हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है परीक्षित महाराज भागवतम सुनते हैं उनको मृत्यु से बिल्कुल डर नहीं था वर्णन आता है जहां पे भी भागवत कथा होती है यमराज स्वयं आते हैं भागवत कथा में बैठते हैं आसन देते हैं यमराज जी को बैठने के लिए तो जिस स्थान पे जो कीर्तन में जो कथा में यमराज बैठने वाले हैं भक्तों को यमराज से डर नहीं है तो ये राजा से क्या डर जैसे हरिदास ठाकुर की जिंदगी में हम देखते हैं जब हरिदास ठाकुर कीर्तन कर रहे थे वहां तो का जो काजी था हरिदास को बोलता है कीर्तन रोको नहीं तो हम तुमको मार देंगे हरिदास को बिल्कुल डर नहीं था हरिदास बोलते हैं जो करना है करो हम कीर्तन नहीं रोकेंगे वी विल नॉट स्टॉप कीर्तन तो तुकारा महाराज का चरित्र है कल आषाढ़ी एकादशी है तुकारा तो महाराज को कितने लोगों ने बोला संकीर्तन छोड़ो तुकारा तो महाराज बोले आप कुछ भी करो मैं संकीर्तन नहीं छोड़ूंगा सर्वलोक चैतन्य भगवान निरंतर परे हरिध्वनि कार मुखे आर को शब्द नहीं सुन तो इस तरह से हर व्यक्ति निरंतर हरि नाम कर रहे थे उनके मुख से और कुछ शब्द नहीं आ रहा था हे नमते महाप्रभुर वैकुंठ ईश्वर संकीर्तन करे सर्वलोके तो महाप्रभु जो वैकुंठ के नाथ हैं वैकुंठ के स्वामी हैं सबके साधारण लोगों के बीच में मध्य में महाप्रभु संकीर्तन कर रहे तो अभी हम सुन रहे हैं कि ये ब्राह्मण आया था महाप्रभु को संदेश देने के लिए प्लीज आप यहाँ से निकल जाइए ये राजा नवाब हुसैन शाह का भरोसा नहीं तो ये जो ब्राह्मण है महाप्रभु के जो पार्षद थे नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर उनको समाचार देके चले जाते हैं तो महाप्रभु ये ये सब भक्त रुके हैं महाप्रभु को ये बताने के लिए महाप्रु सबके हृदय में है अंतर्यामी के रूप में तो महाप्रु समझ गए भक्त क्या संदेश देना चाहते हैं भक्तों के हृदय में क्या चिंता है महाप्रु समे और महाप्रु सीधा बताते हैं भक्तों को चिंता न अंतर्यामी श्री सचिनंदन सचिनंदन चैत्र महाप्रु अंतर्यामी है वो जान गए भक्तों के मन में थोड़ा चिंता है प्रकाशिया लागीला कहिते प्रभु माया गुचाइया महाप्रु मुस्कुराते हैं और महाप्रु इनके संशय को निकालने के लिए बोलते हैं प्रभु बोले तुम्हें सब भाई पाओ मनी राजा अमार देखी बारे की नि तो महाप्रु बोलते हैं आप सब लोग भाई भी क्यों हो राजा मुझसे क्यों मिलना चाहेगा आमा चाहे जन्ना आमी ओ ता चाण सब आमा चाहे नाओ न ना पान जो व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है उसे मिलूंगा पर कौन व्यक्ति है जो एक्चुअली मुझको ढूंढता है किसके अंदर ये भाव है मुझसे मिलने के लिए तुम्हारी हाथे के नयो पाओ मने राजा हमारे हम ही यही तो तुम्हारा बोलते हैं आप सब लोग डरे क्यों हो अगर राजा मुझसे मिलना चाहता है तो मिलू मैं मिलूंगा उससे मुझे क्या डर है राजा हमारे के न बा चाहिए की शक्ति राजा रे बोली उच्चारी थे राजा कैसे बोल सकता है वो मुझसे मिल सकता है अगर मैं राजा को शक्ति नहीं दूंगा राजा के मन में ये इच्छा भी नहीं आएगा और राजा कुछ भी कार्य नहीं कर सकता बलाय से राजार मुके थे, तबे से बे राजा 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 तबे तो बोल रहे हैं मैंने राजा को ये प्रेरणा दिया है मैंने उसके मन को चेंज किया है इसलिए उन उसके मुख से ये शब्द निकला है कि मैं महाप्रभु से मिलना चाहता हूं अमाद की बारे शक्ति कौन वेद अवशिया देखा न पान अमार महाप्रु बोल रहे हैं किसके पास शक्ति है मुझे देखने के लिए वेद भी मुझे ढूंढ रहे हैं फिर भी मुझे ढूंढ नहीं पाते मुझे समझ नहीं पाते इसलिए भगवान का एक नाम है अदोख्षज। अदोख्षज का अर्थ है भगवान हमारे इंद्रियों के परे है जब तक भगवान का कृपा नहीं होता कोई भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकता ऋषि राज्य ऋषि सिद्ध पुराण भारत अमा अविश येह नाहते थे महाप्रु बोल रहे हैं राजा को छोड़ो देवता राज्य ऋषि जो सिद्ध पुरुष है पुराण, महाभारत वो भी मुझे समझ नहीं पाते वो भी मुझे देख नहीं पाते जब मैं दर्शन दूंगा तभी व्यक्ति मुझे देख सकता है संकीर्तन आरंभे मोहार अवतार उधार करी मु सर्व पतित संसार। महाप्रू बोल रहे मेरा अवतार हुआ है संकीर्तन शुरू करने के लिए और पतितों का उद्धार करने के लिए ये दैित यवने मोरे कबू ना ही माने ये युगे तहार कांडी पे मोरम नाम तो ये युग में ऐसे जो दलित व्यक्ति हैं, जो असुर हैं, यमन है मुस्लिम है ऐसे लोगों को भी मैं प्रेरणा दूंगा वो लोग भी हरिनाम का उच्चारण करेंगे और का शक्ति देखते हैं मुस्लिम प्रांत में भी हमारे इस के केंद्र है वहां पर भी प्रचार चलता है यते के, यते दुष्ट यमन चंडाल स्त्री सूत्र आदि यथ अदमाल हे न भक्ति योग दिमु ये युग सभारे सुन मुनि सिद्ध ये निमित्त कमाय अंकारी महाप्रभु बोल रहे हैं ये कलयुग में मेरा ये अवतार हुआ है संकीर्तन भक्ति बांटने के लिए ये संकीर्तन जो देवी देवता तड़पते हैं पाने के लिए वो संकीर्तन वो भक्ति का अवसर मैं तुच्छ व्यक्ति को दूंगा यमन को दूंगा कुत्ते का वाले जो चंडाल हैं उनको दूंगा शूत्र को दूंगा हर व्यक्ति को दूंगा तो महाप्रभु का ये कृपा है महाप्रभु इतने कृपालु अवतार हैं महाप्रु प्रैक्टिकली भक्ति हरिनाम करने का अवसर जो देवताओं के लिए मुश्किल है चैतन्य चरता हम चैतन भागवत वर्णन करता है जब महाप्रु छोटे बच्चे थे निमाय पंडित के रूप में देवी देवता आते हैं निमाय पंडित के अभिषेक करते हैं और देवी देवता आगे महाप्रु से भिक्षा मांग रहे हैं बोलते हैं स्वर्ग में अलग अलग इंद्र भोग है पर भक्ति करने का अवसर नहीं है संकीर्तन का अवसर नहीं है प्लीज हमको संकीर्तन आंदोलन में भाग दीजिए महाप्रहपाद अक्सर वर्णन करते थे इस कौन में जो बच्चे जन्म लेते हैं शायद कोई देवी देवता होंगे क्योंकि ऐसे जो देवी देवता भी हैं संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं तो महाप्रु यहाँ यहाँ पे बता रहे हैं जो भक्ति पाना देवताओं के लिए दुर्लभ है वो भक्ति मैं तुच्छ लोगों को भी दूंगा विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या मदे ये मोर भक्तेर स्थाने करे अपराधे सही सब जन हबे ये युगे वांछित सबे तार ना मानी बे अमार चरित्र महाप्रु बोल रहे मैं सबको कृपा दूंगा यवन चंडाल शूद्र हर व्यक्ति को कृपा दूंगा पर जो व्यक्ति मेरे भक्तों के प्रति अपराध करता है उसको मैं कृपा नहीं दूंगा आई विल नॉट गिव मर्सी टू हिम तो ये एक ही चीज इंपॉर्टेंट है अगर वैष्णव के प्रति कोई अपराध करेगा भक्ति का अवसर नहीं मिलेगा पृथ्वी पर्यंत यत आचे देश ग्राम सर्वत्र संचार हई बे के मोरा नाम महाप्रु राम के लिए में घोषणा करते हैं हर पृथ्वी के हर नगर हर ग्राम में

पर राजा के मन में यह भाव नहीं आ सकता इट इज नॉट पॉसिबल सब झूठ है बाह्य प्रकाशीला प्रभु कहिया भक्त सब संतोष तो सब भक्त बहुत आनंदित होते हैं क्योंकि सब भक्तों को डर था कि यह राजा कुछ हानि पहुंचाएगा तो महाप्रभु बोलते हैं मुझे कुछ चिंता नहीं है मुझे किसी से भय नहीं है तो इस तरह से महाप्रभु चार पांच दिन राम किली में बिताते हैं मत प्रभु कट दिन से ग्रामे निर्भय आचेन निज कीर्तन विधान तो महाप्रु थोड़ा दिन वहां पे बिताते हैं पर महाप्रु को लगता है भक्तों का आज्ञा भी मानना चाहिए तो महाप्रु वहां से आगे निकलते हैं गो सहे। तो महाप्रु डिसाइड करते हैं चलो मैं आ, आ, अभी मथुरा जाऊंगा विल गो हेड तो महाप्रु राम के लिए छोड़ के आगे जाते हैं शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर में तो जब हम कल आ, ये कथा करेंगे हम देखेंगे कि महाप्रु शांतिपुर में क्या क्या लीलाएं करते हैं तो ये राम किली का ये संक्षेप में लीला था हरे कृष्ण श्री तो चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य जा। भागवत की जय हरि हरि बोल थैंक यू सो मच प्रभु जी आपने रोज हमेशा की तरह बहुत अच्छे से आपने चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम्स बताया कैसे भगवान बहुत सॉफ्ट भी है और सामान उनका शरीर है वो वो वाला पोर्शन बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी हमारे पास समय रहेगा प्रभु जी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए yes. okay. हरे कृष्णा प्रभु जी से माता जी आप सभी से विनती है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अनुमोदन है तो आप हैंड रेस करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं मनो माताजी आप कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी पांचांग प्रणाम बहुत ही मधुर कथा थी राम किली के, के बारे में मैंने अपने पिताजी से काफी बार सुना है पर पहली बार आपसे सुना तो ऐसा लगा हम राम किली पहुंच गए हैं प्रभु जी आपने आज के क्लास में एक वर्णन किया है कि हमें हमेशा और मैंने काफी बार सुना है वैस सभी वैष्णवों से कि हमें हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए नाम करना चाहिए या मतलब यू नो नेवर फॉरगेट कृष्णा ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा तो ये चीज आप जितने आसानी से कहते हैं उतना ही करना मुश्किल होता है जैसे हम जॉब कर रहे हैं खाना बना रहे हैं या कोई प्रसाद पा रहा है या कुछ भी है तो हमारा ध्यान उस समय उस गतिविधि पे होता है जो हम हमारे हाथ में है तो ऐसा कोई आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम हमेशा कृष्ण को कैसे याद रख सकते हैं जैसे हम कार चला रहे हैं घर का सफाई कर रहे हैं हर चीज में कैसे याद रख सकते हैं अभी तो बहुत सारे फैसिलिटीज आप कुछ लेक्चर सुन सकते हैं शिला प्रभुपात के या किसी वैष्णव के या कीर्तन सुन सकते हैं कीर्तन गा सकते हैं दे आर सोमनी डू भले ही कुकिंग करते हुए हम कंटिन्यू से गा नहीं पाए यू नो तो फोकस करना भी इंपॉर्टेंट होता है बट एटलीस्ट वी कैन हियर कान तो कर, सुन सकते हैं कुछ ना कुछ आ, अगर आप कुछ चीज़ का टाइपिंग कर रहे हो काम कर रहे हो आ, आपका ऑफिस का जॉब है देन डेफिनेटली यू हैव टू फोकस ऑन दैट बट ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जब जैसे आपने दो उदाहरण दिया गाड़ी चलाते हुए कुकिंग करते हुए मोबाइल तो तो में लेक्चर्स हो कीर्तन हो या एक कुछ साउंड बॉक्स हो नो, ये सब का थोड़ा लाभ लेना इम्पोर्टेंट है जी थैंक यू सो मच हरे कृष्ण थैंक यू माता जी uh... प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था जैसे कि आ, आपने बताया था कि आ, वो जो राजा थे वो नवाब हुसैन जो मुस्लिम राजा थे वो आ, उन्होंने आ, का काफी टेम्पल्स वगैरह मतलब हिंदू बहुत परेशान करा था उन्होंने मंदिर तोड़ा गलत काम किए थे तो आ, लेकिन उनके हृदय में जो आ, जो महाप्रभु के लिए जो रेस्पेक्ट आया था कि वो आ, मतलब इट्स एन ऑफेंस की उनका मतलब उनको निर्धन बोल बोलना तो वो वो क्या आ, मतलब वो जेनुनली ही वो डूइंग की जैसे आपने बोला कि इनका माथा कभी भी फिर सकता है डिवोटीज लोगों को वैसे था तो वो जेनुनली उनके मन में आया कि मतलब वो और अगर जेनुनली आया तो वो भक्ति हाउ इवन हाँ, आफ्टर सो मेनी भगवत अपराध ही है ना वो मंदिर वगैरह तोड़ना तो भक्ति कैसे डेवलप हुआ उनके अंदर अगर ये जेनुइन था तो क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है तो जैसे वही कृष्ण यही वर्णन कर रहे हैं तो ये महाप्रभु का कृपा है असीम कृपा राइट और दूसरा अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि क्रूर जो भी था रूप सनातन से वो प्रेम करता था नवाब शाह का एक आसियत था वो रूप सनातन को अपना भाई मानता था ब्रदर्स और बहुत प्रेम करता था और ये प्रिंसिपल जैसे हमने देखा महाप्रभु ने अमोग हमने सुना था ना सरोम भट्टाचार्य के दामाद थे अमोग जिसके में इतना ईर्षा था इतना अपराध किया था पर महाप्रु ने उसको कृपा दे दिया क्योंकि सरोम भट्टाचार्य के संग में था वो तो वैसे ही नवाब हुसैन शाह का बहुत दुर्गुण था पर एक ही गुण था रूप सनातन के पास रह गया ही बस महाप्रु उसका थोड़ा बहुत इसको कृपा देते हैं यस 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 प्रभु जी अब समझ में आ गया कि यस बिकॉज ऑफ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ओके थैंक यू सो मच प्रभु जी प्रभु जी तो अभी तो और कोई हैंड रेस नहीं है तो uh, क्या हम इस सत्र को यहीं पे विराम दे सकते हैं yes. यस श्रील प्रोपात की जय हिस््री सचिद गोपाल प्रभु की जय थैंक यू वंशाकलपतरूभ्य कृपा सिंधु पतीता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम वृंद की जय श्री की जय हिस् सचिद गोपाल प्रभु की जय की जय कौरली की जय बोल हरे कृष्ण Hare Krishna Mataji, vi can end the call. हरे कृष्णा माताजी वी कन एंट कॉल हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रेम प्रिया माता जी हरे कृष्णा प्रेम प्रिया माता जी वी कैन एंड द कॉल माता जी